हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि एलिमेंटर में बैकग्राउंड वीडियो कैसे ऐड करें। किसी भी मॉडर्न वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम बहुत सारे डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एनिमेशंस यूज़ करते हैं, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। और आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि इस तरीके से बैकग्राउंड में वीडियो प्ले हो रहा है। सो आपने बहुत से बार सोचा होगा कि ये कैसे करते हैं, कि ये बैकग्राउंड में वीडियो प्ले हो रहा है और ये रिपीटेडली जो है प्ले हो रहा है। सो एलिमेंटर एक बहुत ही अच्छा पेज बिल्डर टूल है और इस तरह की वीडियो हम आसानी से अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। और आइए जानते हैं कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए कि ये फीचर हम कैसे एलिमेंटर में अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट के लिए ये एक पेज बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड में वीडियो ऐड किया हुआ है और ये एक शटर स्टॉक का फ्री वीडियो है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं शटर स्टॉक का वाटरमार्क है, लेकिन यही वीडियो अगर हाई रेजोल्यूशन में होगा, अच्छे क्वालिटी में होगा तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आइए इस पेज को एडिट करके मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप वीडियो ऐड करेंगे उसे आप बेसिकली अपने YouTube पे होस्ट कर दीजिए। YouTube पे होस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि YouTube से वीडियो काफ़ी फास्ट लोड होता है। आप अपने होस्टिंग सर्वर पे भी वीडियो ये कर सकते हैं, मतलब होस्ट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप YouTube पे ही होस्ट करिए। ठीक है, सो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ऐड किया है, आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक सेक्शन है, मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक सेक्शन मैंने ऐड किया। ठीक है, अब इस सेक्शन में जाके एडिट सेक्शन कहना है। ठीक है, एडिट सेक्शन में जाने के बाद में फिर स्टाइल में जाना है और यहाँ पे स्टाइल में आपको बैकग्राउंड दिखेगा। बैकग्राउंड में आपको आपको क्लासिक, ग्रेडियंट एंड वीडियोस दिखाई देगा। ठीक है, अब वीडियोस में आने के बाद में यहाँ पे आपको उस वीडियो यूआरएल का लिंक देना है। सो यहाँ पे जो मेरा ये सेक्शन है, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं इसे मैं कॉपी कर लूँगा और मेरे इस सेक्शंस में आऊँगा, मैं एडिट सेक्शन बोलूँगा, स्टाइल, बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं उस वीडियो की लिंक डालूँगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे मेरा वीडियो ऐड हो चुका है बट यहाँ पे मेरी हाइट बहुत कम है। ठीक है, तो फिर मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे जो हाइट है यहाँ के मैं मिनिमम हाइट करूँगा। ठीक है, और मिनिमम हाइट करने के बाद में मैं इसे इस तरीके से मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया, फिर आप जाइए यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस कर दीजिए। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे जो कॉपी किया हो, यहाँ पे जो बना है आपने, यहाँ पे आप वही सेक्शन कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, फिर इस वीडियो के ऊपर आप कुछ अपना लिंक, टेक्स्ट जो भी है करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट ट्यूटोरियल कि आप किस तरीके से एलिमेंटर में बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।